क्या राय है? बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले तो यही लगा कि बाबा का ज्ञान इसने इतने हिसाब से ढंग से बताया गया उसको कि ये मतलब ऐसे लगा कि वाकई ही असली सच्चाई के तक पहुँचाया। बड़े सिंपल तरीके से उन्होंने शो कराया। आप क्या कहना चाहेंगे भाई जी, आपकी क्या राय है? इस फिल्म में सतयुग से लेकर संगम युग तक की सारी कहानी बताई है और निराकार परमात्मा है जिसको सभी मानते हैं, सारे वर्ल्ड में मानते हैं, सभी धर्मों के लोग मानते हैं, वो निराकार ही है, कोई देहधारी नहीं। जी बताइए। मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी है। हाँ। और इसमें जो सही बताया गया है अंतरात्मा से बताया गया, सभी वर्ग जो है वो आत्मा। आपको लगता है जो ईश्वर का परिचय दिया गया वो लोगों की समझ में आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। जो फिल्म का उद्देश्य है गॉड ऑफ द गॉड्स, उससे लोगों को समझ आएगा कि भगवान कौन है? हाँ बिल्कुल समझ में आएगा। क्या क्या समझते हैं आपको, क्या समझ में आएगा लोगों को? उनको यही लगेगा कि ईश्वर एक है और सभी उसको मानने वाले, चाहे वो ईसाई है, चाहे मोहम्मदन है, चाहे कोई भी है, किसी तरह का भी, सबको यही। आइए मिलते एक और बहन से जो भी फिल्म देख के आए। तो बहन आप बताएंगे आपको फिल्म कैसे लगी? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट पिक्चर। आज की डेट में सभी को देखनी चाहिए, अपने बच्चों को भी दिखाना। आप अपने बच्चे को भी दिखाने आए हैं? हाँ जी। मेरे को बेटा आपको कैसी लगी फिल्म? मेरे को तो बहुत मजेदार लगी और मेरे को बहुत समझ में भी आया। क्या समझ में आया बेटा, बता सकते हैं आप? भगवान एक ही होता है, एक ही भगवान है और गॉड इज लाइट, सभी धर्मों में कहा गया है। अच्छा, आप क्या कहती हैं बहन, आप कुछ बताएंगे फिल्म के बारे में? फिल्म से हम सभी जोर से बोलेंगे जरा। इस पिक्चर से हम सभी आत्माओं को ये परिचय मिलता है कि सभी धर्म की आत्माओं के पिता एक ही है, परमपिता परमात्मा, गॉड इज वन। उनसे मिलते हैं जो भी पिक्चर देख के आई है। बहन बताएंगे आपको क्या लगता है कि जो ईश्वर का परिचय दिया गया उससे लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी इस फिल्म देख के? इस फिल्म का मेन मोटिव था बनाने का कि एक सत्य पिता की पहचान देना। ओके। और जो बखूबी इस फिल्म में दर्शाया गया है, वेरी गुड। इंसान जो परमात्मा की खोज करना चाहता है तो जरूर वो ये पिक्चर देखे। अच्छा, आपको लगता है कि द मेन पर्पज ऑफ द फिल्म इज सॉल्व? हाँ जी। लोगों को संदेश पहुँचेगा, इससे लोगों की ईश्वर की पहचान पक्की होगी। ओके थैंक। बताइए। फिल्म का उद्देश्य बहुत अच्छा था। आज जो इस दुनिया में जो इतना पाप बढ़ रहा है उसमें सिर्फ एक सत्य परमात्मा की पहचान के लिए बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सत्य परमात्मा की पहचान कराई गई। अच्छा। और मेरे ख्याल इसमें कोई डाउट नहीं कि सारे डाउट्स क्लियर किए गए। अच्छा। लिंग के बारे में और सबके बारे में हर एक धर्म के हिसाब से। अच्छा। परमात्मा का परिचय दिया। थैंक यू। आइए आइए आइए, आप भी खड़े हो जाइए। आप बताइए, आप मेरी फिल्म देख के आई और आप बहुत यंग एज की लगती हैं, आपको इस फिल्म से क्या संदेश मिला है और आप क्या कहना चाहेंगी इस फिल्म के बारे में? यह फिल्म मेरे को बहुत ही अच्छी लगी और इसके अंदर हमें कई तरीके के धर्मों के बारे में जानने को मिला और गॉड इज वन सबसे बड़ी क्लैरिटी ये दिखाई है कि पूरे वर्ल्ड में जो इंसान भटका हुआ है। ओके। मेरा परमात्मा कौन है, मेरा गॉड कौन है। अच्छा। मेरा अल्लाह कौन है, अलग अलग नाम से जो दिखाते हैं तो उसमें क्लैरिटी, मतलब वो ईश्वर अल्लाह भगवान गॉड एक ही है, हम उसे अलग अलग नामों से जानते हैं, उनका सत्य परिचय एक है, सबका परिचय एक है, ये ज्योतिर्बिंदु है, वो एक ज्योतिर्बिंदु है। तो जो ये फिल्म बनाई है ये लोगों तक मैसेज लाउड और क्लियर जाएगा कि ईश्वर कौन है। ऐसी फिल्में और बननी चाहेंगी, आप ऐसी फिल्में देखना पसंद करेंगे? देखना पसंद करेंगे। वेरी गुड।